हाय एवरीवन, आज के इस नए वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। सर, यहाँ पे बहुत सारा हमने पोल किया, स्टूडेंट ने पोल किया, और आप यदि पोल किए होंगे तो आपको पता हो कि सर हमने किस कटअप पे हमने पोल किया था। तो सर यहाँ पे फाइनली हम जो कटअप वाली बात करते हैं कि किस जोन में सबसे ज्यादा कटअप जाने वाला है और किस जोन में सबसे कम कटअप जाने वाला है। जिन विद्यार्थियों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे अपडेट हम आपके सामने लाते रहते हैं। सर यहाँ पे बात करते हैं किस जोन का कटअप सबसे ज्यादा जाने वाला है और किस जोन का कटअप सबसे कम जाने वाला है, किस जोन का कटअप मीडियम जाने वाला है। सर यदि आप इस जोन से यदि आप भरे होंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन, यदि आपका इतना नंबर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो अभी लेवल 5 का, लेवल 2 का, लेवल 3 का जो आंसर की आने के बाद आपको पता चल गया कि सर हमारा टाइपिंग के लिए यहाँ पे अवेलेबल, मतलब कि हम हो पाएंगे या नहीं होंगे, या साइको के लिए अवेलेबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। चलिए सर यहाँ पे वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, छोटा सा ही वीडियो रखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो भी बात हो कॉन्सेप्चुअल बात होगा और ओरिजिनल बात होगा। सर यहाँ पे बात करते, सबसे पहले बात हाई जोन की बात करते, तो हाई जोन सबसे ज्यादा जो कटअप जाने वाला है वो आपका पटना जोन का जाने वाला है। सर पटना जोन का इस जोन में सबसे ज्यादा हाई जाने वाला, पटना जोन का हो गया, रांची जोन का हो गया, इलाहाबाद जोन का हो गया, कोलकाता जोन का हो गया, मुजफ्फरपुर जोन का हो गया, मालदा जोन का हो गया, चेन्नई जोन का हो गया। मतलब सर यहाँ पे जो आपका 3 और 3, 6, 7, मतलब 7 जोन आपका है जो डेंजर जोन है, हाई कटअप आपका जाने वाला है, ठीक है सर। अब यहाँ पे बात करें सर जो मीडियम जोन आपका रहने वाला है, चंडीगढ़ रहेगा, अजमेर रहेगा, मुंबई रहेगा, भोपाल रहेगा, सिकंदराबाद रहेगा, बेंगलुरु रहेगा, सिलीगुड़ी रहेगा, आपका गोरखपुर रहेगा। हो सकता है सर ये जो मुंबई जो है आपका ये चेन्नई की जगह ले ले और चेन्नई वाला जगह आपका मुंबई को जगह ले ले, लेकिन अभी वैसा पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा, क्योंकि जिस प्रकार से स्टूडेंट ने पोल किया तो उसी के अनुसार से आपके सामने हम यहाँ पे जोन वाइज मीडियम जोन, हाई जोन और लो जोन के बारे में बात कर रहे हैं। सर यहाँ पे इजी जोन का बात करते हैं, सबसे इजी जाने वाला जो जम्मू जाने वाला है, गुवाहाटी जाने वाला, बिलासपुर जाने वाला, अहमदाबाद जाने वाला, भुवनेश्वर जाने वाला, त्रिवंद्रपुरम जाने वाला। मतलब सर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि आपका, यदि आप यहाँ पे एनटीपीसी सीबीटी 2 का लेवल 532 और इधर जो भी एग्जाम दिए होंगे उससे आपको यहाँ पे सबसे, देखिए सर अब बात कर सबसे लो कटअप की बात करते हैं, यहाँ पे त्रिवंद्रपुरम का यहाँ पे रहेगा और सबसे हाई जो यहाँ रहेगा आपका पटना बोर्ड का रहेगा। तो इन सारे जोन को आप देख सकते हैं कि यदि हमारा किस जोन में है तो हमारा सही यहाँ पे नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इससे पहले हम वीडियो पे अपलोड कर चुके थे कि आपका नंबर कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है, और किस जोन के लिए आपका सेफ है, आखिर यदि इतना नंबर आ रहा है तो आप सेफ हैं, तो वो यदि वीडियो नहीं देखेंगे तो वहां पे जाके देख सकते हैं, हम सारा अच्छा से वहां पे क्लियर कर चुके हैं कि आपका इतना नंबर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे, जरूर लेके आएंगे सर कि किस पोस्ट के लिए कितना टाइपिंग है और कितना हम ऐसे तो पहले ही वीडियो पे हम ला चुके हैं कि कितना मिनट आपका दिया जाता है और कितना टाइपिंग उसमें होता है। फिर भी ऐसे तो कोई भी ऐसा जो नया नोटिस आएगा, नया नोटिफिकेशन आएगा रेलवे के द्वारा ग्रुप डी का नोटिस के लिए, तो हम आपके सामने जरूर लेके आएंगे। चलिए सर मिलते हैं ऐसे ऐसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए वंदे मातरम।